राधे जय राधे राधे श्री राधे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह उठ चुके हैं, 5 बज रहा है और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो आज जा रहे हैं जल्दी जल्दी नहा के, मंदिर भी जाना है, घर पे भी पूजा करना है। कल किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, इसीलिए दूसरा दिन का वीडियो नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा नवरात्रि का डे 3। तो चलिए जाते हैं नहा के, उसके बाद रेडी होते टाइम मिलते हैं। सो गाइज, आज हम पहनने वाले थे ये ब्लू वाला साड़ी, तो पहन चुके थे और इसको बस एक बार पहने हैं राखी वाले दिन, उसके बाद आज निकाले थे। ये साड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो बता दे। ये प्रिंट जो है इसका दिया हुआ है, ये सब मेरे को बहुत पसंद है। इसी में का सेम पिंक हम साड़ी एक मंगाएँ, एक स्काई मंगाएँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम फिर से सीधी पाली पहन लिए थे, क्योंकि हम सोचे हैं पूरे नवरात्रि इसी तरीके से साड़ी पहनेंगे, अच्छा लगता है और हमारे बिहार में इस तरीके का कल्चर भी है इस तरीके से पहनना। उसके बाद आ गए थे हम घर वाले मंदिर में पूजा करने के लिए, अपने पूजा रूम में। और सबसे पहले घर पे पूजा करके उसके बाद गए थे हम लोग मंदिर। तो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। उतना हम मेकअप नहीं किए, बस लिपस्टिक लगा लिए थे पिंक, और नॉर्मल जो आप क्रीम लगाते हो बस वो लगा लिए थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं किए थे, क्योंकि हम एक ही दिन करेंगे दशहरा वाले दिन, जैसे सप्तमी अष्टमी हुआ या दशहरा घूमने गए उस दिन करेंगे, वरना डेली एक ही जैसा लगेंगे, इसलिए हम ज़्यादा मेकअप नहीं किए। तो यहाँ पे हम पूजा करते हैं घर पे, और सासू माँ तो पहले से कर रही थी, वो पहले ही उठ गई थी, वो 3 ही बजे उठ जाती हैं, बट हम 5 बजे उठते हैं। पिछले बार जो पहला दिन था उस दिन 4:30 में या 4 बजे उठ गए थे, उस दिन 4 बजे उठे थे और आज हम 5 बजे उठे थे। कल कोशिश करेंगे इससे भी पहले उठने का, क्योंकि जल्दी 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 हो जाता है बहुत। तो और सोचेंगे आधा घंटा पहले उठ जाएं 4:30 तक, तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा और मेरा आधा काम जो रह जाता है वो भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 40 भी पढ़ लिए थे, आरती वारती भी किए थे, बट उसका वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि आपको पता है कोई है नहीं ऐसा जो हमारा वीडियो बना दे, खुद से बनाना उतना संभव नहीं हो पाता पूजा करते करते। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग। शायद स्टार्ट कर चुके हैं ब्लॉग, याद नहीं मेरे को। तो हो चुके हैं रेडी, ये मेरा लुक है नवरात्रि डे 3 का। कैसे लग रहे हैं पूरा लुक थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, अभी टाइम 6 बज चुका है और जल्दी जल्दी से रेडी होके पूजा भी कर लिए घर पे। अब जाना है मंदिर, मंदिर में पूजा हम लोग करते हैं और जो होता है क्या बोलते हैं फूल, क्या बोलते हैं जो फूल अर्पण किया जाता है दुर्गा माँ को, वो हम लोग करेंगे। अभी मेरे मुंह में वो सेम वर्ड नहीं आ रहा है जो हम लोग बोलते हैं, तो वो करेंगे अभी और अच्छा लगता है मतलब ऐसे करना। अभी तो मेरे को एकदम पूजा पाठ करने वैसा नहीं आता है, बट दिल से जितना आता है उतना हम करने का कोशिश करते हैं कि हम करें, अच्छा लगे और दिल को अच्छा लगे, सुकून मिले। दुर्गा माँ को हम मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमेशा से, शुरू से, बचपन से, जब से हो से तब से दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं हम। वो मेरी एक होता है ना ताकत है, शक्ति है, उनका नाम लेके हम मतलब बहुत एक शक्ति वाला महसूस करते हैं। तो उनका दिन आता है तो एक अलग ही मेरे अंदर अच्छा लगता है, मतलब दिखा नहीं पाते वो चीज़, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि दुर्गा माँ आई हमारे यहाँ। तो चलिए चलेंगे मंदिर और उसके बाद बातें करते रहेंगे, फुल लुक थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। और भाई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, और भाई दिन चढ़ गया मेरे। घर पूजा करने के बाद हमारे घर के पीछे जहाँ पूजा होता है वहाँ करके हम लोग चले मंदिर, और मंदिर पहुँचने के बाद देख सकते हैं यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुका था और दुर्गा माँ बहुत सुंदर लग रही थी, देख के ही बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ आरती शुरू हो गया था, हमको भी वो घंटी बजाने बीच वाला जाना था, इसलिए फिर कुछ भी सूट नहीं किए। उसके बाद डायरेक्ट ये दिखाएं जो प्रसाद मिला मेरे को, और यहाँ पुष्पांजलि किए जो मेरे को याद नहीं आ रहा था उस टाइम, पुष्पांजलि किए, वो सब भी सूट नहीं किए क्योंकि कोई था नहीं जिससे करवाएं हम। फिर यहाँ सबको प्रसाद बटा रहा था जो पंचामृत होता है, वो बटाने के बाद, और फिर दुर्गा माँ के साथ मेरा नहीं था तो थोड़ा बहुत ऐसे ले लिए थे। और ये प्रसाद जो मिलता है ना चढ़ाया हुआ मिलता है, तो बहुत मतलब हम लोग सोचिए तो पास में मंदिर है तो मिल जाता है, बहुत अच्छे से हम लोग पूजा भी कर लेते हैं नवरात्रि वगैरह में। और यहाँ पे फिर हम जा रहे थे दुर्गा माँ को प्रणाम करने, सोचे एक बार कर लेते हैं,
यहाँ दुर्गा माँ को टच करके प्रणाम करना मतलब बहुत एक भाग्यशाली सोचिए रूप में फील होता है ऐसा, कि मतलब नवरात्रि में यहाँ हम लोग को जाने मिलता है। हमारा जो सोसाइटी है उसमें का मंदिर है हमारा अपना, जो सब हम लोग सोसाइटी के लोग पूजा पाठ हो गया, उतना कैप्चर नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो अब हम जा रहे हैं घर, 7 बज चुका है, टिफिन बनाना है, तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। सो गाइज फटाफट से हैं किचन में क्योंकि लंच के लिए लेट हो रहा था, और डेली हमेशा हम 6:30 में जैसे आ जाते हैं किचन में, बट आज 7:10 या 7:15 हो चुका था। तो हम सोचे यहाँ आलू उबाल लेते हैं और आलू का सब्जी बना देंगे। तो फिर सासू माँ बोली कि आलू पटल बना दो, तो हम बोले ठीक है आलू पटल ही बना देते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से उबलने के लिए रख रहे थे आलू, और ये मेरे को लग रहा था जल्दी जल्दी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सब्जी बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है कि सब्जी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, तो 8 बजे तक रेडी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ पर हम आलू का बना रहे थे तो जल्दी से कर देते, बट फिर पटल भी काटना होता तो वो सब में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट फिर मेरी सासू माँ आई यहाँ पर और वो थोड़ा हेल्प कर दी सब्जी बनाने में, पटल वगैरह काट दी, तो सब्जी तो हो गया। मतलब हेल्प मिल जाता है तो एक होता है ना, टाइम भी बचता है आपका, तो यहाँ टाइम बचा मेरा। और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी तब तक सब कुछ निकाल रहे थे जो जो डालना था सब्जी में, टमाटर, मिर्च, ये सारी चीज़ें, लहसुन प्याज तो नहीं खाना है क्योंकि कलश स्थापना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं डाल रहे हैं, तो नॉर्मल ही सब्जी सोचिए तो प्रसाद ही टाइप बन रहा है क्योंकि सेंधा नमक में ही हम लोग खा रहे हैं। तब तक मंदिर से जो प्रसाद मिला था हम वो केला खा लिए थे। उसके बाद सासू मैं इधर सब्जी का तब तक कर रही थी, हम सोचे आटा जल्दी जल्दी से सान लेते हैं ताकि टाइम पे एकदम बन जाए, और बन भी गया था, पहले ही बन गया था टाइम के पहले। एक होता है ना किसी चीज़ में अगर आपका एक इंसान का हेल्प हल्का मिल जाए तो फिर टाइम भी आपका बचता है और सब कुछ टाइम पर हो भी जाता है। और यहाँ पर हम आटा वगैरह सान के फिर यहाँ रोटी बनाने के लिए स्टार्ट कर दिए थे। तब तक इधर सब्जी भी हो चुका था और ये सबसे ना जल्दी हो गया था, वरना मेरे को लगा था कि शायद लेट हो जाए। और हम इधर पूजा कर रहे हैं ना तो ये टेंशन हम छोड़ दे रहे हैं कि नाश्ता बनाना है, हम बाद में याद करते हैं कि नाश्ता बनाना है, क्योंकि फिर पूजा अच्छा से नहीं हो पाता है। मन में चलता है नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो लगता है कि पूजा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल हम मन में नाश्ता का एकदम नहीं सोच रहे हैं, पहले पूजा करते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा नाश्ता बनाना है, ठीक है बना देंगे इस तरीके से। सो गाइज फिर हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारा कुछ साफ़ कर ले रहे थे जो भी किचन का ये था, क्योंकि सब साफ़ करके और आगे अंगाऊ जो होता है पूजा का वो बनाना था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी था मतलब फालतू सामान वो हटाएं और पूरा पोछ दिए, पूरा गैस वैस अच्छे से, क्योंकि सोचे थे कि माँ के लिए कुछ बना देंगे। वैसे तो कभी बनाए नहीं है कुछ भी हम ऐसे पूजा का, बट सोचे कि चलो बनाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, तो आज एक कोशिश किए बनाने का। तो उससे पहले सोचे कि ये लंच है वो पैक करके और रख देते हैं अलग, ताकि ये सबसे छुट्टी हो जाए, मतलब फिर ध्यान इधर ना रहे, तो वो लोग का रेडी किए। उसके बाद यहाँ अपने ससुर जी के लिए नाश्ता भी निकाल दिए कि वो खा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पूरा ये जो प्रसाद मिला था वो सोचे पूरा खा के ख़त्म कर देते हैं, सब तो खा गए थे, बस ये कुछ ड्राई फ्रूट था तो वो सब बाकी था, तो वो खा के और पानी पी लिए। उसके बाद जो भी ये फालतू बर्तन था, फालतू मींस जो मतलब काम का नहीं था, अब धो के रखना था, वो सारे बर्तन को हम यहाँ धो के और रख रहे थे ताकि पूरा क्लीन हो जाए किचन का जो डेस्क होता है वो, ताकि हम अच्छे से पोछ के और फिर हम पूजा वाला जो है बनाना है वो बना लेंगे। तब तक ये सब काम कर ही रहे थे तो फिर सासू माँ बोली कि पार्सल आया है, तो फिर हम गए पार्सल लेने, और पार्सल में क्या आया है आगे ब्लॉग देखिए पता चलेगा, वैसे थंबनेल से पता चल गया होगा आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे टिफ़िन जो है गाड़ी में रख दिए क्योंकि अब हम जा रहे थे ससुर जी और मेरे पति देव ऑफिस। तो पति देव और ससुर जी जा रहे हैं ऑफिस, उसके बाद हम थोड़ा वीडियो शूट करेंगे, तब तक उनका चार्जर ये सब दे देते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे चले गए लोग ऑफिस, और यही सुबह में इतना मतलब जल्दी जल्दी वाला काम रहता है, और ये डॉक्टर वेट कर रहा है, बहुत देर से वेट कर रहा है, ये पूजा करने गए थे तब से, पूजा करने गए थे तब भी पीछे पीछे आया था, बट उस समय बनाए नहीं थे,
अभी बना के और दे दिए। देखिए कितने अच्छे से खा रहे हैं। अभी और दो हैं, वो लोग पता नहीं कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं, कहीं घूमने गए होंगे। और एक बहुत प्यारा सा इनका बच्चा है, एकदम छोटा सा, वो भी बहुत सुंदर लगता है, तो कभी दिखाएंगे आपको। अब चलिए अभी चलते हैं, जल्दी से छत पे जाकर वीडियो बना लेते हैं, वरना बहुत धूप हो जाता है तो फिर हम नहीं बना पाएंगे। उसके बाद माँ के लिए सोचे हैं आज आलू का हलवा बनाएंगे, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, तो चलिए चलते हैं, पहले वीडियो बना लेते हैं। प्लीज़ आ गए छत पे वीडियो बनाने, और अभी धूप ज़्यादा हो गया है, तो चलिए पहले जल्दी से एक दो बना लेंगे, ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे क्योंकि एक ही लुक में कितना बनाएंगे, हर डे तो दूसरा दूसरा लुक होगा, तो इसलिए दो तीन वीडियो इस लुक पर बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए यहाँ इतना अच्छा लगता है ना, हरा भरा हरा भरा, और आज तो मेरा साड़ी भी सेट कर रहा है हरा हरा। तो चलिए पहले वीडियो बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे नीचे जाके, वरना धूप में फेस जल जाएगा। तो यहाँ पे हम सेट कर रहे थे अपना ट्राईपोड, क्योंकि खुद ही बनाना होता है, कोई है नहीं बनाने वाला वीडियो, तो खुद बनाना होता है, इसमें टाइम भी लग जाता है, कोई रहता है तो जल्दी जल्दी से बना लेता है, बट इसमें है कि खुद सेट करो, खुद बनाओ ना। तो भी धूप हो गया ना, क्या बताएं, संडे को तो हम तुरंत जाके पूजा करके आके बना लिए थे, थोड़ा बहुत धूप था, उतना प्रॉब्लम नहीं होता, आज इतना धूप है कि लग रहा है कि नहीं बनाए, ज़्यादा धूप में हम नहीं गए, तो दो तीन वीडियो बनाए और फिर नीचे आ गए। तो अभी हम जा रहे हैं, चलिए एक जो पार्सल आया था उसमें क्या है वो दिखाते हैं। तो चलिए, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी सासू माँ के लिए, जितना अभी औकात है उतना में मंगाए हैं। तो ये है कुर्ती, कैसा लग रहा है मैम? कपड़ा उपड़ा खाली देख लीजिए, ठीक है ना? हाँ, सोच रहे हैं कि सासू माँ के लिए आज आलू का हलवा बनाए, वैसे हम कभी बनाए नहीं हैं, बट ट्राई करते हैं, क्योंकि नहीं बनाने से कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसे बनाएंगे तो कुछ कुछ सीखेंगे ही। तो चलिए पहले अच्छे से हम पोंछ लेते हैं, वैसे इंडक्शन पे आलू बैठा देंगे, उसके लिए हम कुकर में हाँ उसी तो ये इंडक्शन के लिए हम लोग अभी कुकर लिए हैं, जो बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी का ग्रेवी है, वो अच्छा लग रहा है, तो इंडक्शन के लिए मंगाए तो हम लोग इंडक्शन पे इससे बना सकते हैं। इससे पहले वाला हम लोग का इंडक्शन वाला नहीं था, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इंडक्शन वगैरह पोंछ लिए हैं, गैस भी पोंछ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये रेसिपी शेयर करते हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और हम पहली बार बना रहे हैं, देखते हैं कैसा है। तो आलू का हलवा हम कभी खाए भी नहीं हैं, ना कभी बनाए हैं, क्योंकि हमारे घर जो आरा में होता था व्रत, तो कोई उतना खाता नहीं था, बस फल फूल खाता था, ऐसे कुछ पेट भर के कोई नहीं खाता था, क्योंकि एक होता है ना व्रत करने पे कुछ मन ही नहीं होता खाने का, और हम लोग तो एक एक दिन व्रत करते थे, 9 दिन जब व्रत मम्मी करती थी उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बड़े होने के बाद मतलब नहीं कोई किया है 9 दिन व्रत, बस शिवानी और भैया करते हैं, वो दोनों अपना व्रत करते हैं, तो वो दोनों अपना बनाते भी खुद ही हैं, तो हम मतलब किसी का नहीं बनाया, तो आज पहली बार सासू माँ के लिए बना रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सब कुछ साफ़ कर लिए, जो गैस भी था इंडक्शन भी था सब कुछ साफ़ कर लिए थे, और यहाँ पे आलू भी अच्छे से धो के, और पहले आलू उबालेंगे, तो वहीं हम यहाँ पे आलू डाल रहे थे। और आलू का जो हलवा होता है वो सुने हैं बस कि अच्छा लगता है, और हम आज बनाने वाले थे तो एक्साइटेड भी थे कि कैसा बन रहा है, एक होता है ना, तो आपको देखने मिलेगा कि कैसा है। तो पहले ये कर ही रहे थे तो यहाँ पे आ गई ये, और इनके आँख में आंसू देख के मेरे को मतलब रोना टाइप आ गया, देख सकते हैं आंसू था, तो हम यहाँ पे उनको रोटी दे दिए खाने के लिए। तो गाइस इसमें डालने वाले हैं ड्राई फ्रूट, तो सबसे पहले घी में इसको तल लेना है, तो यहाँ पे हम तलेंगे। सो गाइस कढ़ाई में यहाँ एक चम्मच अभी घी लिए हैं, क्योंकि यहाँ बस ड्राई फ्रूट को यहाँ पे फ्राई करना है, थोड़ा सा इस तरीके से ड्राई फ्रूट ले लेंगे और इसको थोड़े देर मतलब 1 से 2 मिनट अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। सो गाइस देखते हैं कैसा बनता है हलवा, तो हम कभी
मतलब ये व्रत जो करते हैं हमको कभी खिलाए नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी व्रत करती थी तो आपको पता है वहाँ पे हम वो खुद ही मतलब सब कर लेती थी, तो आदत भी नहीं है ऐसा कुछ। तो मेरी मम्मी मतलब पहला और लास्ट करती थी, 9 दिन नहीं करती थी। मेरी सासू माँ 9 दिन की, तो हम सोचे एक बार ट्राई करते हैं बना के कैसा बनता है, उनको खिलाते हैं। तो ड्राई फ्रूट को यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। अब आलू जो बैठाए हैं वो तुरंत सिटी वाले उसको मैश कर लेंगे, और मैश करने के बाद हम उसको घी में ही फ्राई करेंगे। हम आपको दिखाएंगे वैसे। सो गाइस, नया कुकर का उद्घाटन किए हैं इंडक्शन पे। तो चलिए अभी सीटी मारेगा, उसके बाद मतलब थोड़े देर सीटी निकलेगा तब बनाना है। तब तक हम और कुछ काम कर लेते हैं या मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। सीटी देने वाला है 2। सो गाइज, यहाँ पे आलू उबल चुका था और हम बस 5 आलू उबाले थे, क्योंकि सासू माँ को ही खाना था, वो भी एक टाइम। तो आदमी व्रत में वैसे भी ज़्यादा नहीं खा पाता है, तो वो बोली थी कि हम थोड़ा सा ही बनाना, तो हम थोड़ा सा बना रहे थे। तो यहाँ पे आलू जो है उसको अच्छे से छील लेंगे, और बहुत गर्म था, एकदम गर्म गर्म देख सकते हैं। उसके बाद उसको छील के अच्छे से मैश कर लेंगे, और इतना गर्म था ना कि हो ही नहीं रहा था, और कोई सामान यूज़ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पूजा का है, वरना ग्लास वगैरह से कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैश कर लिए आलू को, और कढ़ाई में घी डाल दिए हैं। अब इस आलू को हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे घी वगैरह डाल लिए थे कढ़ाई में, और फ्राई करना था जो आलू था। आप उसमें और भी कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट हम एकदम सिंपल सा बना रहे थे, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहे थे कि क्या पता बिगड़ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइज, फिर इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे आलू को। सो गाइज, ये फ्राई हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। आप अपने मुताबिक डाल सकते हो, आपको कितना मीठा खाना है। फिर इसको मेल्ट होने तक इस तरीके से मिलाते रहेंगे, जब तक चीनी पूरा घुल नहीं जाता इसमें। आप लोग बताइएगा, आप लोग बनाए हो क्या? हम तो नहीं बनाए थे कभी, पहले बना रहे हैं। तो चीनी घुल चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे जो ये जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे उसको। इसको फिर अच्छे से 2 मिनट और इसको फ्राई करें। अगर किसी को मीठा भी पसंद है ना, तो व्रत में ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए हम चीनी कम डालें, आलू ऑलरेडी मीठा होता है। आप कोशिश करो कि कम ही खाओ। तब इसको हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि बन चुका है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि दिखने में कैसा है हलवा। देखिए, हलवा बनके रेडी हो गया, और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फोकस ले लो, देखिए। तो अब इसको खा सकते हो आप। सो गाइज, सारा काम हो गया, बना लिए हलवा वगैरह, अभी नाश्ता नहीं किए हैं, जाएंगे अब नाश्ता करेंगे। और इस रूम में समझ ही नहीं आ रहा है कि चूहा कहाँ है, क्योंकि सारा दरवाज़ा बंद रहता है, दिन भर नहीं दिखता है, रात में निकल जा रहा है, कहाँ से आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। जा रहे हैं देखने, कहीं सोफा में घर तो नहीं बना लिया है, पता नहीं, बट जा रहे हैं देखने अच्छे से। और ड्रेस चेंज करेंगे, तो सोचे ब्लॉग को एंड भी कर दें, क्योंकि आज ही सोचे हैं शेयर कर दें, क्योंकि जिस दिन रहता है जो मतलब जैसे पहला वाला दिन का हम कल शेयर किए, तो कल तो हम ब्लॉग बनाए ही नहीं थे किसी कारणवश, कल पूजा हम नहीं कर पाए थे, तो इसलिए सोचे आज ये जो ब्लॉग बनाए आज ही आप लोग के साथ शेयर भी कर देंगे। और कैसा लग रहा था आज का लुक बताइएगा। सोचे थे हर दिन अलग अलग लुक करेंगे, लेकिन हेयर एक ही रहेगा, मेरा रियल हेयर, कर्ली हेयर है मेरा, जो ऐसा ही दिखता है, देख सकते हैं। तो गाइज, आप लोग मतलब ब्लॉग को इधर थोड़ा सा कम प्यार दे रहे हैं और ज़्यादा करिए। आई नो आप लोग भी बिजी होंगे, सबके घर में पूजा होता है, बट मेरा भी ब्लॉग देख लिया करिए। और जा रहे हैं, रील्स भी शेयर करेंगे, कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं तो वो भी धोएंगे,
कल का ब्लॉग नहीं, परसों वाले ब्लॉग में एक सरप्राइज आपको मिलेगा, तो जरूर देखिएगा। और सासू माँ को जो कुर्ती दिए हैं वो भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो एक होता है मेरे को खुद से देना था, तो खुद से हम दिए, और बस ऐसे ही करें कि मेरे को भगवान बहुत दे और हम अपने माता पिता सास ससुर सब का ख्याल रखें और उनका सारा सपना पूरा करें, बस हम यही चाहते हैं। अब देखिए कितना बरकत, कितना तरक्की मिलता है ज़िंदगी में, क्योंकि जो सोचो वो होता नहीं है कभी, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए हम बड़े बड़े सपने भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते हैं, बस ज़िंदगी जैसे चल रहा है, चलो बस खुश रहो और आज में जियो। कल बीता उसको भी छोड़ो, कल आने वाला है उसको भी छोड़ो, आज जो है आज में जियो, जो मन कर रहा है करो, जो पहनने का मन कर रहा है पहनो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटा है, कोई नहीं जानता कब तक क्या है, तो हर एक दिन इंजॉय करो और जो पसंद है करो। मेरे को जैसे कपड़े पहनना पसंद है, न्यू न्यू कपड़ा खरीद के पहनते रहते हैं, स्टोर नहीं करते हैं पैसा। हाँ, पैसा रखना चाहिए, सेव करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि हम अपना मन मार के, आज मेरे को ये मन कर रहा है तो नहीं ये नहीं करेंगे, ये छोड़ के सेव करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कल किसी ने नहीं देखा है। कौन कौन एग्री करता है कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जा रहे हैं सारा कपड़ा धो लेने, और इसमें जहाँ चूहा है खोजने जा रहे हैं। कल बेडशीट वगैरह सब दूसरा चेंज कर दिए थे बट दिखाए नहीं थे, अभी जा रहे हैं बेड भी ठीक करना है, क्योंकि सुबह से तो रूम में आए ही नहीं है, अभी आ रहे हैं सारा कुछ काम करके। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। अच्छा लगा होगा ब्लॉग तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा। गाइज 5K नहीं हुआ, मेरे को लगा था दशहरा तक हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। बाय।